नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाळ। आपण मानकु एसएस इन्फो ओडिया चैनल को स्वागत। आज मु आपण को पाखकु जिला राज्य तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर गुडी को नै आसीछि। भिडियो टिकु शेष पर्यंत देखंतु। चैनल रे नुवा आसीथिले दयाकरि चैनल को सब्सक्राइब करि बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहाँ फल कि मु जेतेबेळे भी नुवा नुवा खबर नै आसीबि सर्वप्रथमे आपण पाई परिवे। तेबे चालंतु डेरी न करी आजिरो खबर उपरे नजर पकेबा। नंबर वन, पाकिस्तान रे बड़ धरणर विस्फोरण, 50 रु ऊर्ध लोकंक मृत्यु, 200 आहत। पाकिस्तान रो खैबर पख्तुनख्वा रे रविवार एक बड़ धरणर विस्फोरण घटीथिबा खबर आसीछि। उक्त विस्फोरण रे 50 रु अधिक लोकंक मृत्यु होइथिबार सूचना रहीछि एवं 200 जण लोक आहत होती। विस्फोरणटी खैबर पख्तुनख्वार बाजोर जिलार खार तहसिल कि धमाका से ही समय जो समय जमियत इलेमा इस्लाम फजलर सम्मिलनी हो घटना पर संपृक्त स्थान में आतंक खेली जा लोके निज निजर जीवन बचाई इडे सियाडे दौड़ा लगी आहतंकु तुरंत हॉस्पिटल को पठा जाइछि। अधिकारी को कहिबा अनुसार उक्त विस्फोरण रे मृत्यु संख्या आहुरी बढ़ी पारे। परवर्ती खबर, कानाडा रे विमान दुर्घटना, 6 मृत। शनिवार दिन कानाडा रो अल्बर्टा प्रदेश अंतर्गत कालगेरी रो पश्चिम प्रांत रे एक क्षुद्र विमान दुर्घटनाग्रस्त होइछि। फल रे एथिरे 6 जणकर मृत्यु घटितबा कथा कनाडा पुलिस कही। दि रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस कही जड़े पायलट और 5 जन यात्री उक्त विमान शुक्रवार राति रे सहर रो पश्चिम प्रांत रे थिबा स्प्रिंग बैंक विमान बंदर रु उड़ाण आरंभ करी ब्रिटिश कोलंबिया रो सालमन आर्म आड़क जाऊला। विमानटी निखोज होता कथा अंटारियो अंतर्गत ट्रेंटन स्थित जॉइंट रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर विलंबरे रिपोर्ट कर। विमान निखोज विषय रे राति गोटाए बेले जॉइंट रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर रु खबर मिलिथिला बोली पुलिस कहिछि। परवर्ती खबर, मणिपुर हिंसा घटनार सीबीआई तदंत आरंभ। मणिपुर रे दुई महिला को उल्लग्न बुलाइबा घटनार तदंत आरंभ करिछि सीबीआई। जुलाई 4 रे थबल जिले रे घटीतबा एही लज्जाजनक घटनार 26 सेकंड वीडियो जुलाई 19 रे प्रसारित होइथिला। संपृक्त पीड़ितांकु गणधर्षण करा जाइथिबार अभियोग मध्य होइथिला। सीबीआई उभय अभियोगर तदंत करिब। एथिसह मणिपुर रे घटुथिबा जातिगत हत्याकांड आदिर तदंत मध्य करिब बोली सूचना देछि। परवर्ती खबर, इसरो को पुणी सफलता, एकाथर के महाकाश को पठाइला 7टी उपग्रह। चंद्रजानर उत्क्षेपण पर भारतीय महाकाश गवेषणा प्रतिष्ठान इसरो रविवार सकाळे एकाथर के 7टी उपग्रहर महाकाश को सफल उत्क्षेपण करिछि। सकाळ 6:30 मिनिट रे आंध्रप्रदेश श्री हरिकोटा स्थित सतीश धावन महाकाश केन्द्र 7टी सैटेलाइटर उत्क्षेपण करा जाइछि। पीएसएलवी C56 रॉकेट सहायता 360 किलोग्राम ओजनर 7टी उपग्रह को महाकाश को पठा जाइछि। परवर्ती खबर, फेसबुक बंधु को विवाह करबा को श्रीलंकारु भारत आसिले युवती। पाकिस्तान रु भारत पलाई आसीथिबा सीमा हेदर एवं भारत रु पाकिस्तान रे पहुंचीथिबा अंजुंक प्रेम कहानी को नै चर्चा थमी नहीं। एबे जणे श्रीलंका महिला निज फेसबुक बंधु को विवाह करबा पई भारत रे पहुंची छंती। श्रीलंका बासिंदा विघ्नेश्वरी 6 वर्ष पूर्वे फेसबुक रे आंध्रप्रदेश चित्तोर जिलार लक्ष्मण को भेटी थिले। उभयों मध्य कथबार्ता आरंभ होता एवं धीरे धीरे बंधुता प्रेम रे परिणत होता। दीर्घ समय कथा हेबा परे दुहे विवाह करने को निष्पत्ति नहीं छंती। विघ्नेश्वरी कोलंबोरु विमान जोगे जुलाई 8 रे चेन्नई रे पहुंची थिले। एठारे लक्ष्मण ताकू घर को आनी थिले। एठारे दुहे जुलाई 20 रे
कोटा मंडल एक मंदिर रे विवाह करथिले। एही विवाह पई लक्ष्मण को परिवार सदस्य मध्य सम्मति प्रकाश करथिले। विघ्नेश्वरी टूरिस्ट भिसा रे भारत आसिछंती। यहा अगस्त 15 रे शेष हेबो। पुलिस तांकु डाकी धार्य तारीख पूर्वरु देश छाड़िबाकु कहिथंती। परवर्ती खबर, हाथी को निया हुड़ा फिंगिथिबा दुई अस्थायी वनकर्मचारी कार्यरु बहिष्कृत। हाथी पल घौड़ाइबा पई हाथी पीठ को निया हुड़ा फिंगिबा घटनारे कार्यानुष्ठान ग्रहण कला वन विभाग। करंजिया वनखंड अंतर्गत दुधियाणी रेंज अंचल गत 15 तारीख में घटी उक्त घटना नहीं कार्यानुष्ठान ग्रहण पूर्वक दुईज अस्थायी वनकर्मचारी कार्यरु बहिष्कार करछंती। करंजिया वनखंड अधिकारी श्रीकांत नायक सेमाने हेले बापी माझी ओ दीपक मुंडा उभय अस्थायी वन कर्मचारी भावे कार्य करती। तेबे केउं कारण पई एहिपरि कार्य करथिले से नै तांकु रिपोर्ट मगा जैथिला। उभय दोष स्वीकार करिवारु आईन अनुजाई कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि बोली वनखंड अधिकारी श्री नायक कहिथंती। परवर्ती खबर, नीट रे पूर्ण हेबो 109 पदवी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रे चाकरी करबाकु चाहुतिबा प्रार्थीक पई खुशी खबर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर 109 अण शिक्षण पोस्ट रे नियुक्ति पई विज्ञप्ति बाहर करछि। एही नियुक्ति पई आवेदन प्रक्रिया सरकारी वेबसाइट रे चलीछि। आग्रही तथा योग्य प्रार्थी माने इहारो ऑफिशियल वेबसाइट www.nits.ac.in को जाई आवेदन करि परिबे। ऑनलाइन आवेदन करिवारो शेष तारीख 8 अगस्त रहितबा बेले आवेदन फॉर्म रो हार्ड कॉपी दाखल करिवारो शेष तारीख 16 अगस्त रहिछि। एही नियुक्ति प्रक्रिया रे मोट 109 पदवी रे योग्य प्रार्थी नियुक्ति पाइबे। एथिरे आवेदन करबाकु हेले आग्रही प्रार्थी माने एक स्वीकृतिप्राप्त विश्वविद्यालय किंबा प्रतिष्ठानरु एक प्रासंगिक विषय रे बैचलर किंबा मास्टर डिग्री करथिबा आवश्यक। आवेदन शुल्क जनरल ओ ओबीसी प्रार्थी पई 1000 टंका रखा जायछि। सही बोली एसटी एससी पीडब्ल्यूडी प्रार्थी पई 500 टंका रहिछि। परवर्ती खबर, कोरोना समय रे स्वास्थ्य सेवारे थिबा प्रार्थीकु कोण देखा मामला। राय प्रकाश पर्यंत अंतरीण निर्देश कायम रहिबो। कोविड परिस्थितिर मुकाबिला रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिबा चुक्तिभित्तिक स्वास्थ्यकर्मी फार्मासिस्ट नर्स लैबोरेटरी टेक्नीशियन और अन्य मानकु चाकरी क्षेत्र रे अणदेखा करा जिबा अभिजोग कु नै दायर मामला गुडीकर हाईकोर्ट रे सुनानी शेष होईछि। जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र को नै गठित खंडपीठ प्रद्युम्न कुमार स्वाई ओ अन्य मानंक आवेदनर एकत्र सुनानी शेष करि राय संरक्षित रखिछंती। राय प्रकाश पर्यंत पूर्वरु मे 1 रे जारी करा जायथिबा अंतरीण निर्देश बड़बत्तर रहिबो बोली हाईकोर्ट कहिछंती। परवर्ती खबर, हॉस्टल पेइंग गेस्ट भड़ा उपरे लागिबो जीएसटी। वर्तमान हॉस्टल भड़ा उपरे 12% जीएसटी आदाय करा जिवो जेउति पई छात्र मानंकु अधिक अर्थ देबाकु पड़िबो। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण दुईटी पृथक मामलें एही निष्पत्ति देछि। एएआर रो बेंगालुरु बेंच कहिछि जे हॉस्टल गुड़िको आवासिक यूनिट सहित समान नुहे तेणु सामग्री एवं सेवा कररु मुक्त नुहे। परवर्ती खबर, टमाटो परे एबे चावल दर ऊपर मुहा। बिलाती परे एबे महंगा हेलाणी चावल। किलोग्राम पिछा 10 टंका रु 15 टंका बढ़ी गलाणी जहाँ को नहीं चिंता रे खाउटी एवं गृहिणी। सरकार धान दाम बढ़ाई देथिबारु मिलर चावल दाम बढ़ाई देथिबा कहिसंती चावल व्यवसायी। हेले व्यवसायी संघर अभिजोग चावल दर वृद्धि पछरे काम करुछि कॉर्पोरेट हाउस को मनमुखी निष्पत्ति। मासक तले जेउ उसुना चावल 35 रु 40 टंका रे बिक्री होउथला एबे ताहा 45 रु 50 छुईलाणी। सरु एचएमटी चावल दाम क्विंटल पिछा 1000 रु 1200 टंका बढ़ी जाइछि। एमिति कि खीरी पई व्यवहार होउथबा बासुमती चावल दाम किलो पिछा 15 टंका बढ़ी गलाणी। पूर्वरु महंगा टमाटो रोसई घर को बाधुथिबा बेले एबे गृहिणी मुंडरे चडक पखाइछि
ଚାଉଳର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ଅବଧି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2023 ଖରିଫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହାର ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ରହିଥିଲା, ତେବେ ଏହା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ସାହାରା ନିବେଶକ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ଅର୍ଥ। ସାହାରା ଗ୍ରୁପରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ଅର୍ଥ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିବେଶକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ 4,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଯାଇଥିବା ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିବେଶକଙ୍କୁ କିଭଳି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ନିବେଶକଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ତା'ର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମବାୟ ନିବନ୍ଧକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ତାଲିକାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ତେବେ ନିବେଶକଙ୍କର ଯେତେ ଜମାରାଶି ରହିଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେବଳ 10,000 ଟଙ୍କା ପରୀକ୍ଷାମୂଳ ଭାବେ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ସୁଧ ସହିତ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ 10 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ନିବେଶକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାହାରା ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଖବର ବୁଲେଟିନ୍ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଶ ବିଦେଶର ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ସହ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।